हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ जो कि अगर 9000 के रेंज में बेस्ट डिस्प्ले वाला मोबाइल लेना चाहते हो, बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल लेना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इन्फिनिक्स यहाँ हॉट 12 प्ले इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि 9000 के रेंज में लॉन्च किया और काफी बेस्ट मोबाइल, इसमें काफी अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। और इसी मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस मोबाइल के साथ अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, क्या नेगेटिव पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। और ये मोबाइल मैं यहाँ बोल रहा हूँ काफी अच्छा है और अच्छा है, 9000 के रेंज में इस मोबाइल के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। और अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले मोबाइल की पूरी डिटेल आपको बता देते हो। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो इसमें आपको अगेन प्लास्टिक बैग देखने के लिए मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश के साथ गुड लुकिंग फोन है, काफी बेस्ट आपको लुक यहाँ देखने के लिए मिल जाता है इस मोबाइल में। और बैक साइड में आपको टॉप लेफ्ट में आपको डबल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता, पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, सेंटर पंच होल डिस्प्ले, जो कि एक्सीलेंट बात है। यहाँ बेस्ट लुक आपको मोबाइल का देखने के लिए मिलेगा प्राइस रेंज के हिसाब से, सो अच्छी बात है। 8.9 mm इसका थिकनेस है, 209 ग्राम इसका वेट है। इसमें आपको कलर वेरियंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक, ब्लू, गोल्डन, ग्रीन, काफी सारे कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बिल्ड मटेरियल डिजाइन में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। डिस्प्ले की तरफ आते हैं, यहाँ आपको काफी बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 6.82 इंच का HD प्लस रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल, तो डिस्प्ले में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्राइस रेंज के हिसाब से ये डिस्प्ले मिलता है, लेकिन डिस्प्ले काफी बड़ा है, यहाँ आपको पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि एक्सीलेंट बात है। 480 निट्स की ब्राइटनेस है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सो यस गाइस, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। प्राइस रेंज के हिसाब से इधर आपको, क्योंकि 12000 की रेंज में 90 हर्ट्ज नहीं मिलता है, यहाँ आपको 9000 की रेंज में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ आपको डिस्प्ले में आपको एक्सीलेंट बोलूंगा, यहाँ आपको डिस्प्ले परफॉर्मेंस निकाल के देगा प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके चिपसेट की बात कर ले तो यहाँ आपको काफी अच्छा चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, यूनी एसोसिएट टाइगर T610 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हीलियो G70 के बराबर होता है और A12NM फैब्रिकेशन के साथ आता है, तो काफी अच्छा काटा, हीटिंग का प्रॉब्लम, लेस का प्रॉब्लम देखने के लिए दे देगा अगर आप हैवी यूजर हो तो। वैसे अदरवाइज इसमें आपको LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलता है, EMMC 5.1 का सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस CPU GPU काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस रेंज के हिसाब से जाकर हैवी यूजर हो तो इस मॉडल को आप क्यों ले, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो इस मोबाइल के साथ जाओगे ना। और इसमें आपको बैक साइड में डबल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 13 MP का प्राइमरी कैमरा और AI कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 8 MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप यहाँ आपको एवरेज देखने के लिए मिलता है, ठीक ठाक है, चला लेंगे। बैटरी की तरफ बताते तो यहाँ आपको बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 10 W का फास्ट चार्जर, USB Type-C के साथ, 3.5 mm जैक, सिंगल स्पीकर, बैटरी आपको 2 दिन का बैकअप आपको आराम से देगा, काफी बेस्ट यहाँ आपको बैटरी देखने के लिए मिलता है, 6000 mAh की बड़ी बैटरी। अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करोगे, अगर मचाओगे तो भी आपको 1 दिन का बैकअप आराम से देगा, 1.5 दिन का बैकअप, अगर नॉर्मल यूज हो तो आपको 2 दिन का भी बैकअप दे देगा। सेंसर्स में आपको बैक साइड में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा, फेस लॉक और जो नॉर्मल सेंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्राइस रेंज के हिसाब से सभी सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। और डेडिकेटेड सिम स्लॉट है और इसमें आपको एक्सटेंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, 2 SIM 1 memory का यूज कर सकते हो, जो कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा है, XOS 10 सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के साथ और 6164 वाला वेरियंट आपको देखने के लिए मिलता है 8499 में, जो कि 8500 में काफी बेस्ट आपको यहाँ मोबाइल निकाल के देता है डिस्प्ले वाइज। और प्रोज और कॉन्स की बात करें तो आपको प्रोज में अच्छे खासे देखने के लिए मिलेंगे, कॉन्स में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, प्राइस रेंज के हिसाब से वही आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोज में आपको यहाँ परफॉर्मेंस काफी बेस्ट मिल जाता है, डिस्प्ले 90 Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ, IPS LCD पैनल, काफी बेस्ट है आपको यहाँ डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, बैटरी बेस्ट है और 464 वाला वेरियंट, रैम रोम काफी बेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। कॉन्स की बात कर ले तो UI आपको थोड़ा ठीक है, एड्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको कैमरा सेटअप आपको यहाँ एवरेज देखने के लिए मिलेगा और फिंगरप्रिंट आपको साइड माउंट ऑफ फिंगरप्रिंट होता है तो और अच्छा होता है, इसमें आपको बैक पैनल में देखने के लिए मिलेगा। और HD का सपोर्ट है, फुल HD का सपोर्ट नहीं है डिस्प्ले में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं कह सकते, प्राइस रेंज के हिसाब से ये देखने के लिए मिलता है तो ठीक है। यहाँ आपको प्रोस काफी अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं, सो आप प्रोस को देखना, कॉन्स को भूल जाना, क्योंकि उसमें प्राइस रेंज के हिसाब से यही रहते। सो ये मोबाइल अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को, भाई को फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।